हेलो हाईटेक हुसैन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लाया हूँ, यहाँ पे आप देखते हैं एक प्रोडक्ट है इसके अंदर। ये एक किचन आइटम है, यानी ब्रश टाइप आइटम। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा क्या आइटम है। तो ये मोस्टली ये जरूरत पड़ता है किचन के लिए, यानी जो केक्स रोटीज वगैरह बनाते हैं उसके लिए यूजफुल आइटम है, यानी ऑयल ब्रश। सो इसका अनबॉक्सिंग आज करने वाले हैं। मोस्टली लेडीज का आइटम है और कुछ जेंट्स भी यूज करते हैं इस ब्रशेस को। जो कुक होते हैं, शेफ होते हैं, वो यूज करते हैं, उनके लिए परफेक्ट है। लेडीज हो या जेंट्स, दोनों के लिए परफेक्ट आइटम है। तो इसका अनबॉक्सिंग आज करने वाले हैं और देखते हैं किस तरह है ब्रशेस। और आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है टेक हुसैन चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी यहाँ पे लाल बटन होगा उसे दबाइए, और साथ में एक घंटी आएगी उसे भी दबा दीजिए, आपको गारंटी नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए वीडियोस आते ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो पूरी तरह नॉन टेक वीडियो है, बिल्कुल भी टेक वीडियो नहीं है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं पैकेज को। पैकेज देखते हैं, मैं लाइव से खोलने वाला हूँ। और इसे कट कर लेते हैं स्लोली, और लगभग स्लोली स्टार्ट किया है कटिंग। और यहाँ पे ब्लर इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्लर किया है। तो आप ये समझ लीजिए क्योंकि ब्लर इसीलिए किया है। तो लगभग पैकेज ओपन हो चुका है, और हम देखते हैं अंदर हमें एक पैक मिलता है, छोटा सा पैक ब्रशेस का। तो बस और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, मुझे सिर्फ ब्रशेस है और बस कुछ रैपर, बबल रैपर समथिंग है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने ब्रशेस खोल लिया है बॉक्स के अंदर से। सो उसके अंदर से पैकेज कुछ इस तरह मिलता है, दो ब्रशेस है एक ही पैकेज में, यानी आपको एक ही प्राइस में दो ब्रशेस मिल जाएंगे। ये कुकिंग ऑयल ब्रशेस है। और चले इसे खोल को देख लेते हैं किस तरह है। तो नीचे कुछ इस तरह है पैकेज है, और यहाँ से इसे खोल लेना चाहिए, और मैं निकाल लेता हूँ पैकेज में से। तो निकालने से कुछ इस तरह दिखता है, रखते हैं यहाँ पे। दो ब्रशेस कुछ इस तरह आपको मिल जाते हैं, कलर और ये। अब देखते हैं ब्रशेस किस तरह है। ये पूरी तरह आपको सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन मटेरियल है यूज किया गया है इसके ऊपर। तो सिलिकॉन ब्रशेस कहे जाते हैं मोस्टली टाइम्स। और इसका स्ट्रांग है, हैंडल भी स्ट्रांग है, प्लास्टिक का है बट स्ट्रांग है हैंडल। आप कोई भी केक या डोसा या रोटी चपाती वगैरह सभी पे आप यूज कर सकते हैं ब्रशेस को, ऑयल लगाने के लिए या क्रीम वगैरह लगाने के लिए। आपको जैसे मिलते हैं केक्स के ऊपर भी क्रीम वगैरह भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह। बस ऐसे पकड़ लीजिए, लगाइए, बस लगाते रहिए, देखने में स्टाइल होगा और हाइजीनिक भी होगा, यानी क्लीन भी रहेगा। और इसे ये मटेरियल भी पूरी तरह फूड ग्रेड है, यानी फूड मटेरियल को यूज करने के लिए ही ये सिलिकॉन बनाए जाते हैं। तो ये नॉर्मल ब्रश नहीं है, ये सभी को पता है। अगर आप कुक है या शेफ है तो आपको पता होगा कि ये क्या ब्रश है, सिलिकॉन फूड ग्रेड ब्रश। तो अब ज्यादा तक तो तेल लगाने के लिए कुछ लकड़ी लेके वगैरह समथिंग ला पड़ते हैं, कपड़ा है वगैरह यूज करते हैं, बट उसकी जगह आप ये ब्रश भी यूज कर सकते हैं। बट ये सिलिकॉन ब्रश है, और इसकी प्लस पॉइंट ये है कि ये निकल भी जाता है। अगर आपको गंदा हो गया अगर ब्रश, तो आपको इसे धो के भी फिर लगा सकते हैं इस तरह। देखिए प्लास्टिक है, इजी से भी निकाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं आपके जरूरत के अनुसार। तो देखते हैं इस तरह, ये लाल कलर है, और इसके साथ साथ हमें दूसरा कलर भी मिल जाता है, ये येलो कलर है। तो दो ब्रशेस एक ही प्राइस में मिलते हैं। इसने अच्छा है क्वालिटी और सॉफ्ट भी है ये ब्रशेस, और देख सकते हैं बहुत ही इजी है यूज करने में, और बहुत अच्छा रहेगा ऐसा यूज कर सकते हैं। इस पे नहीं, ऑयल, मोस्टली ऑयल या कुछ अलग टाइप ऑफ जो आप लगाना चाहते हैं उसे, केक जो भी कुक करते हैं उसको यूज कर सकते हैं ये ब्रशेस को। ज्यादातर लोगों को इस ब्रशेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, बट इसलिए मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। ये पूरी तरह नॉन टेक वीडियो है, बट बस बताने के लिए रिव्यू कर रहा हूँ। इसका प्राइस आपको लोकल शॉप में थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, बट
ऑनलाइन में यानी फ्लिपकार्ट में मैंने इसके खरीदा है। प्राइस मैं दिखा देता हूँ, इसका प्राइस देख सकते हैं 186 रुपीस, दो ब्रशेस इसमें 186 रुपीस, और ये हैदराबाद से आए हैं, तो हैदराबाद सेलर समथिंग है ये, उधर से आया है। तो आपको लेना है तो ले सकते हैं, ब्रशेस अच्छे हैं, काम की चीज़ है, किचन वेयर है तो आप ले लीजिए। अगर आप कुक है या कुकिंग करते हैं तो ज़रूरत की चीज़ है। और इसकी कुछ कामयाबी मैं बता देता हूँ, यानी माइनस पॉइंट्स, प्लस पॉइंट तो ये हुए और माइनस पॉइंट यहाँ पे है, देख सकते हैं अटेंशन लिखा है यहाँ पे, यानी इस ब्रशेस को आप ज़्यादा गर्म में यूज़ नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर तवा ज़्यादा गर्म है तो आप ये ब्रशेस यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिघल भी सकते हैं ब्रशेस, क्योंकि ज़्यादा हीटिंग की वजह से पिघल सकते हैं। तो कम हीटिंग में ही ये ब्रशेस यूज़ करिए, ज़्यादा हीटिंग में बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, ये ठीक नहीं होगा। तो कम हीटिंग में आप बस ऑयल ला के निकाल देना चाहिए, तवे पे या कहीं पे भी ऐसे रख देना नहीं चाहिए, बस यूज़ करना है और निकाल देना है, बस ऑयल लगाना है निकाल देना है, और ज़्यादा हीटिंग में बिल्कुल लगाना नहीं है ऑयल। तो कम हीटिंग में यानी स्टोव ऑन करते ही बस थोड़ा सा ऑयल लगाया, निकाल दिया, बस इतना ही, उसे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये है अटेंशन इसका, यानी माइनस पॉइंट, तो ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो बस इतना ही, और इसके कुछ डिटेल्स इसके पीछे है, कार्ड के पीछे, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, किस तरह मटेरियल से बना है वगैरह पढ़ लीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो पास करके। तो बस इतना ही ये रिव्यू ब्रशेस का, दैट्स इट टोटल रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टेकोसन चैनल को, ऐसे बहुत सारे नॉन टेक और टेक वीडियोस के लिए। और मेरा नाम एसके हुसैन है टेक हुसैन से, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू एंड साइनिंग ऑफ। और आपको नीचे लिंक्स मिल जाएंगे इस ब्रशेस के, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। और एक कार आप देखते हैं, यह बस शोकेस के लिए रखा है, इसका रिव्यू भी आने वाला है, देख लीजिए। सो टाटा बाय, सी यू, फिर मिलता है, साइनिंग ऑफ।